परसा प्रखंड के श्रीरामपुर गांव निवासी 45 वर्षीय चतुरी राम का शव हैदराबाद से बुधवार को घर पहुंचते ही माता श्रृंगारी कुमार, पत्नी प्रभा देवी, पुत्र मदन कुमार राम, बबन राम, पुत्री सुगिया कुमारी तथा भाई उमेश राम का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी की चीख पुकार से उपस्थित ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। पत्नी अपनी पुत्री की शादी तथा संतान के पालन पोषक को लेकर काफी परेशान थी। चतुरी राम की मौत से वृद्ध माता श्रृंगारी देवी अपनी वृद्ध जिंदगी को लेकर चिंतित थी। परिजनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पत्नी तथा वृद्ध माता के कंधों पर आ गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि हैदराबाद में भोला राम पंखा के कोयल बनाने वाली कंपनी में मजदूरी करता था। काम के दौरान रविवार को बॉयलर ब्लास्ट कर गया, जिससे चतुरी राम बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों द्वारा उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह ने पहुंच परिजनों को सांत्वना दी तथा आर्थिक सहयोग प्रदान किया। वहीं लक्ष्मण साहा, बीडीसी प्रतिनिधि श्याम बाबू कुमार, राम सुमन राम ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। डीएलएम टीवी के लिए पर्सन मोहम्मद यूसुफ के साथ सोहन ठाकुर की रिपोर्ट।